चाइनीज़ रोल बनाना सिखा रहे हैं। बहुत टेस्टी चाइनीज़ रोल तैयार होते हैं, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम चाइनीज़ रोल बनाना सिखा रहे हैं आपको। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को बॉईल कर लेंगे। चिकन हमने लिए तकरीबन 600 ग्राम है, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें हम एक टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्च और एक टेबल स्पून लहसुन डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएं इसको। अभी हम इसको पका लेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। चिकन बॉईल होने के बाद हमने इस तरह इसको चिकन को तोड़ लिया है, सिर्फ 10 मिनट बॉईल करना है और उसके बाद इस तरह करके अब चिकन को हम एक साइड पर रख लेंगे। वेजिटेबल हमने लिए हैं बंद गोभी 1.5 किलो, 1500 ग्राम शिमला मिर्च, आधा किलो 500 ग्राम गाजर, आधा किलो या 500 ग्राम और हरी प्याज 250 ग्राम है या एक पाव। हरी प्याज कम लें क्योंकि ज़्यादा लेने से ये कड़वी हो जाती है और ये कटने से पहले का इसका वेट आपको बता रहे हैं। अब बाकी जो मसाले हैं उसके बारे में बता देते हैं आपको। काली मिर्च ली है हमने 1.5 टेबल स्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 3 टेबल स्पून, अजीनोमोटो 1 टेबल स्पून भर के, हरी मिर्च पिसी हुई, ये हमारे चैनल पे मौजूद है 3G पेस्ट में और ये हमने लिए 3 से 4 टेबल स्पून। अगर आप हरी मिर्च तकरीबन 12 ले सकते हैं, आप बारीक भी काट के डाल सकते हैं। नमक 1.5 टीस्पून और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ऑयल होगा 3 से 4 टेबल स्पून। अब हम वेजिटेबल को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून, उसके अंदर लहसुन डालेंगे 1 टेबल स्पून, लहसुन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे, तीन से चार मिनट गाजर को फ्राई करने के बाद इसका पानी थोड़ा खुश हो गया। उसके बाद हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे, इसको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे क्योंकि गाजर और शिमला मिर्च में पानी ज़्यादा होता है गोभी की बनस्पत, और इसका थोड़ा पानी खुश हो गया तो रोल में जो हम फिलिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसका एक और तरीका भी है, इसमें आप तमाम वेजिटेबल्स में थोड़ा सा नमक डाल के रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद उसमें जो पानी वेजिटेबल्स का आ जाए वो आप अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को उसके कपड़े में डाल के निचोड़ लें, उससे ये अगर आप इस तरह भूनना नहीं चाहते ऐसे तीन से चार मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें गोभी शामिल करेंगे, हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे, फिर भून लेंगे ताकि फिर पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तेज आँच रखें,
चार से पाँच मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी को डालने के बाद दो से तीन मिनट तक बस मिक्स करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें मिक्स कर देंगे। मटर लिए हमने, थोड़े से मटर ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। एक कप मटर है। चिकन जो हमने शेड करके रखी थी, चिकन डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हरी प्याज भी शामिल कर देंगे। हरी प्याज देख के शामिल करें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हरी प्याज ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाता है, उसमें टेस्ट थोड़ा सा कड़वाहट ही आ जाती है। बहुत ज़्यादा हरी प्याज नहीं करें। मैंने एक पाव में से भी हमने थोड़ी सी हरी प्याज बचा ली है, बस अब यह तैयार हो गया। इस थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, फिर बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम सब्ज़ी में सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, अजीनोमोटो शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद एक रोल बना के उसको फ्राई करके टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको नमक कम लग रही है तो उसमें इजाफा कर सकते हैं। नमक बहुत ज़्यादा हमने इसमें नहीं शामिल किए। मिक्स हो गई है, अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार कर रहे हैं, जिसका हम जैसे हम रोल जैसे खाएंगे। 1 टेबल स्पून मैदा और उसके अंदर पानी ऐड करके एक सा पेस्ट बना लें। इसी तरह तमाम रोल तैयार करके फ्रीज़ कर देंगे हम, और आपको दो रोल फ्राई करके भी दिखा देंगे कि किस तरह से टेक्सचर आया। और इसको फ्राई करके हम आपको दिखा देते हैं। तेल को गर्म करने के बाद हमने सरसों का तेल लिया है। फ्रोज़न रोल को अगर आप फ्राई कर रहे हैं तब भी आप उसको फौरन निकाल कर इसमें ऑयल में डाल दीजिए। ऑयल गरम हो, लेकिन बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए।
वो ख़ुद ही जब इसके साथ फ्राई हो जाएगा, लेकिन उसको बाहर नहीं छोड़ें मेल्ट होने के लिए। निकाल लेंगे इसको। अब हम आपको रोल को कट करके भी दिखा देते हैं कि अंदर से रोल कैसे बने। देखिए तमाम वेजिटेबल कितनी अच्छी लग रही, आप भी इसको ट्राई करें। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत टेस्टी चाइनीज़ रोल तैयार हुए हैं।